उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की तानाशाही के किस्से लोग सुनते रहते हैं। ये कब किस बात पर सनक जाए और क्या फैसला ले लें, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दुश्मनों को तो ये बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं और अन्य देश उत्तर कोरिया को लेकर आशंकित भी रहते हैं कि पता नहीं कब किम जोंग क्या कर बैठे। एक बार फिर किम जोंग ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। इस बार उन्होंने दक्षिण कोरिया को धमकी दी है। किम जोंग ने उकसाए जाने पर दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने और उसे हमेशा के लिए नष्ट करने की धमकी दी है। उनकी इस धमकी पर दक्षिण कोरिया के नेता ने भी पलटकर किम जोंग को धमकाते हुए कहा कि परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का प्रयास किया तो उनका शासन ढह जाएगा। हालांकि इन दोनों के बीच इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु फैसिलिटी के बारे में खुलासा करने और मिसाइल टेस्टिंग जारी रखने पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ी हुई है और इस बीच ऐसी टिप्पणी का आना चर्चा का विषय तो है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि उत्तर कोरिया की रबर स्टाम्प संसद से उम्मीद की जाती है कि वो दक्षिण कोरिया के साथ सुलह को औपचारिक रूप से अस्वीकार करने और नई राष्ट्रीय सीमाओं को व्यवस्थित या कोडिफाई करने के लिए कोरियाई प्रायद्वीप एक टू स्टेट सिस्टम की संवैधानिक रूप से घोषणा करेगी। उत्तर कोरिया की आधिकारिक न्यूज एजेंसी कोरियन सेंट्रल के अनुसार बुधवार को एक दौरे के दौरान किम ने कहा कि अगर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की संप्रभुता का अतिक्रमण करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करने का प्रयास करता है तो उनकी सेना बिना किसी हिचकिचाहट के सभी मौजूद आक्रामक बलों का उपयोग करेगी, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है। किम ने दक्षिण कोरिया के आधिकारिक नाम का उपयोग करते हुए कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो सियोल और कोरिया गणराज्य का अस्थायी अस्तित्व असंभव हो जाएगा। किम के बयान मंगलवार को अपने देश सशस्त्र बल दिवस पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक योल के भाषण का जवाब था। यू ने दक्षिण कोरिया की सबसे शक्तिशाली ह्यूनमू 5 बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य हथियारों का अनावरण करते हुए कहा था कि जिस दिन उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का उपयोग करने की कोशिश करेगा उस दिन किम सरकार का अंत हो जाएगा, क्योंकि किम को दक्षिण कोरियाई अमेरिकी गठबंधन की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। यू के इसी बयान के जवाब में किम ने दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले की धमकी दी। संभावना यही है कि इनके बीच की बात धमकी तक ही सिमट कर रह जाएगी, लेकिन किम की ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्टिंग और दक्षिण कोरियाई अमेरिकी सैन्य प्रैक्टिस के साथ कोरिया की दुश्मनी वर्षों में सबसे खराब पॉइंट पर है। ऐसे में हालात और बिगड़ भी सकते हैं।